नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। दोस्तों, गाय का भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान रहा है। गाय को हमेशा से माता का दर्जा दिया गया है। जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था गो आधारित रही तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अतीत में चली गईं। एक बार फिर से सरकार ने और विश्व हिंदू परिषद ने गाय के मामले को जोर शोर से उठाया है। गो संरक्षण, गो रक्षा और गौ संवर्धन का जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद पांडे जी। उनसे जानेंगे कि क्या सरकार की और संस्था की नीतियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। गाय को लेकर एक बार फिर से मुखर है सरकार भी और विश्व हिंदू परिषद तो शुरू से बात करता है, लेकिन अब गो आधारित कृषि व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। किस तरीके से आयाम को आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने? दो पक्ष इसमें हैं। एक तो गाय को पुनः हमारे जीवन पद्धति में प्रस्थापित करने तक वह जीवित रहे, इसके लिए कत्ल रोकना एक पद्धति है। जी और आज विश्व हिंदू परिषद ऐसी कत्ल से गायों को रोकने वाला सबसे बड़ा संगठन है। पिछले वर्ष ही हमने लगभग 1,42,000 गायों को कसाईयों के हाथ से छुड़ा बचाया। बचाया है। अभी प्रश्न आता है कि गाय जो कट रही है तो उस गाय को बचाने के बाद में उसको जीवन में कैसे प्रस्थापित करेंगे। और इसलिए सबसे बड़ा माध्यम उसमें तो यह है कि कृषि जीवन में गाय आधारित कृषि को प्रोत्साहन देना, उसको प्रस्थापित करना। और इसलिए अभी हजारों किसानों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष गौ आधारित कृषि या जैविक कृषि, ये दोनों दृष्टि से अभी चल रहा है। तो खाद का निर्माण गोबर और गोमूत्र के आधार के ऊपर, कीट नियंत्रकों का निर्माण दोनों के आधार के ऊपर, यह करने से जमीन की भी शुद्धि होगी। जो रसायन जमीन का नुकसान कर रहे, उसका नाश कर रहे, हमारे भोजन को भी भ्रष्ट कर रहे, जी वो सबको शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात है ना, जमीन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यानी बीज दिए जा रहे हैं, उस कारण से भी नुकसान हो रहा है, तो भारतीय बीज भी नष्ट हो रहे हैं। तो यह संपूर्ण कृषि तंत्र को ठीक करने के लिए आधार को गोमाता को बनाना पड़ेगा। और अभी जो सारे निष्कर्ष आ रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक एकड़ में यदि एक गोमाता को भी आप जोड़ देंगे तो खेती यह प्रॉफिटेबल हो सकती है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, रासायनिक खाद का उपयोग बंद करने से जमीन का नुकसान बंद होगा, खर्चा भी कम होगा और उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण से प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जी जाएगा। तो ये दोनों तीनों बातें किसानों के समझ में जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे मुझे लगता है कि गाय की रक्षा का कृषि का आधार लेकर करना ज़्यादा आसान होगा। जी प्राण साहब, जैसे गाय की उपयोगिता बढ़ाने की बात करते हैं, आपने बताया कि इसका गोबर के क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले हमारी जो रसोई थी उसको लिपाई होती थी गोबर से, अब दिवाली आने वाली है, ये बातें उठती हैं कि गोबर से लक्ष्मी गणेश बने, कंडों का कई तरीके का इस्तेमाल हो, गमले बने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद अभी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टि से संगठन करके क्या कर सकता है इसके बारे में सोच रहा है। तो जो बातें आपने सामने लाई है वह हम रोजगार के दृष्टि से भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी जैसे आपने दिवाली आएगी तो दीपक का विषय किया है, या अभी गमले भी गोबर के बने ऐसा विषय चल रहा है। बाद में कई जगह पर अभी गोमूत्र से दवाइयों का निर्माण, कुछ आयुर्वेद के तंत्र को उपयोग करते हुए यह भी प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ है। तो हम जगह जगह पर गोमूत्र से दवाई कैसे बनाना इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कई गौशालाएं अभी पूर्ण देश भर में हैं कि जिनके लिए प्रति माह कुछ लाख रुपए का उत्पादन केवल दवाओं के कारण से हो रहा है। तो गोबर से फिर खाद कैसे बनाना, कंडों का उपयोग हुआ है, एक बहुत नया तरीके का प्रयास किया गया कि कुछ जगह के श्मशान हमने गोद लिए हैं जी और वहां पर हमने ये कहा है कि जो मृतदेहों को जलाने का विषय है, दहन करना है, तो वो कंडों के आधार के ऊपर करिए। तो इससे जंगल की भी रक्षा होगी, पेड़ों की रक्षा होगी, अनेक लोगों को काम मिलेगा क्योंकि कंडे बनाने के लिए कुछ लोग लगेंगे।
और सस्ता भी होगा, गाय की भी रक्षा होगी। जी तो ये सारे विषय एक कंडों का उपयोग करने से हो जाते हैं, और इससे गाय के कारण से पर्यावरण की रक्षा, गाय के कारण से जंगल की रक्षा, लोगों के हाथ के लिए काम, और एक बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा आखिरी संस्कार है देह संस्कार करने का, उसमें भी सहयोग हो सकता है। तो अनेक वस्तुएं बनाने का विषय, तो हम इस चीज को अर्थतंत्र से जोड़ रहे हैं। तो फिर हमारे शास्त्रों ने गाय को कामधेनु क्यों कहा? तो उसका एक आधार यह भी है कि जैसा उसकी महत्ता धर्म के कारण से, भगवान का उनके अंदर वास है इस कारण से, वैसे ही धर्मस्य मूलम अर्थ, इस अर्थ में भी वह कामधेनु है। जी। तो मुझे लगता है ये सारे प्रयास बहुत महत्व के आपने हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि गौमूत्र से औषधि बनाने का, पंचगव्य को तो अतुल्य औषधि माना गया है आयुर्वेद में, उसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया, इस दिशा में भी कुछ आपकी तरफ से कार्य चल रहा है? हाँ, अभी बहुत जगह पे हम लोगों ने ऐसे प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं और मुफ्त में इसका प्रशिक्षण हम लोगों को दे रहे हैं। हमको इसमें, हमारे पास में पेटेंट भी है इसके कुछ दवाइयों के जी। इसके बाद भी हम इसका ज्ञान सबको दे रहे हैं कि सब लोग अपने तरीके से क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसको करना चाहिए। तो ये हमने स्वयं के अर्थार्जन का माध्यम कहाँ पर भी न बनाते हुए एक प्रचार के तौर पर हर एक के जीवन में ये वस्तु आनी चाहिए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसके केंद्र जितने अधिक बनेंगे, ये व्यवस्था जितनी विकेंद्रित बनेगी, मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में वो जल्दी प्रस्तापित होगी। आपने बताया कि गौ संवर्धन, गौ रक्षा के 5 आयाम हैं और साथ में इसको स्वास्थ्य से, आध्यात्मिक दृष्टि से जहाँ भी जोड़ना है बिना सरकार के सहयोग के, जैसे कत्ल रोकने की भी आपने बात, इस तमाम बातें हैं, तमाम बिंदु हैं, बिना सरकार के सहयोग के इन चीज़ों को आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल है। हमने एक आग्रह पिछले कुछ वर्षों से किया था, तो गत वर्ष फरवरी में, मुझे लगता है 1 फरवरी को ये घोषणा हुई थी 2019 में कुंभ के समय, तो पूज्य संत भी सारे एकत्र आए थे कुंभ में। तो उसके पहले भी हमारी बातचीत सरकार से चल ही रही थी, केंद्र सरकार से। तो सरकार ने 1 फरवरी को, मुझे लगता है 2019 में, गो सेवा आयोग का कामधेनु आयोग करके, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस नाम से घोषणा की। तो मुझे लगता है कि उस घोषणा में एक बहुत बड़ा प्रयास विश्व हिंदू परिषद का था। हमारी तो मांग है कि एक मंत्रालय इस नाम से हो जाए, मगर अभी आयोग तक विषय पहुंचा है और उसका कुछ बजेटिंग भी हुआ है, उसके काम को एक व्यवस्थित स्वरूप अभी आना है। एक तो भारतीय गोवंश जो है उसके नस्ल को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि नस्ल कई जगह पर बिगड़ गई है। जर्सी आ जाने के कारण से दुर्लक्ष भी हुआ है, और अभी जर्सी के दुष्परिणाम, गाय भी नहीं बोलते हैं, कोई हम जो गो भक्त तो कोई मानता नहीं उसको गाय, मतलब देसी, बिल्कुल थोड़ा सा हम चाहेंगे आप बताएं दर्शकों को क्या है। जरूर जरूर, ऐसा माना जाता है कि जो हाइब्रिड तरीके से उसको बनाया गया है, तो भारत नस्ल की जो गायें उनको ही सब लोग गाय मानते हैं। जर्सी तो एक दूध देने का यंत्र जैसा ही कुछ लोग मानने लगे हैं, मगर उसका एक दुष्परिणाम भी हुआ है समाज के ऊपर। भारत की जो नस्ल है देशी गायों की, वो बिगड़ गई है। तो एक यह ध्यान देने का बहुत बड़ा पहलू है कि कैसा हम वो नस्ल सुधारे, उसके लिए साइंटिफिक और पारंपरिक, ऐसे दोनों तरीके से, और परंपरा में भी विज्ञान छुपा हुआ ही है, केवल वो इतने प्रकट रूप से नहीं है। तो ये सारे पद्धतियों का उपयोग करते हुए नस्ल सुधार कैसे किया जाएगा, तो भारतीय नस्ल की भी गाय फिर अधिक दूध देने लगेगी, क्योंकि मूल तो दूध है। आज दूध न देने वाले गायों की रक्षा करना क्यों आवश्यक है, ये समझाने के लिए गोबर और गोमूत्र की भी बात चल रही है, मगर जब माँ का दूध बंद हो जाता है तो गाय के ही दूध पे पूरा विश्व पलता है। और आज हम हजारों करोड़ रुपयों के दूध के पदार्थ आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गायों को मार रहे हैं, तो ये दोनों बातें तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसलिए गोवंश की रक्षा, उसके नस्ल में सुधार, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि गाय को यदि संभालना है तो जैसे कृषि जीवन में उसको प्रस्तापित करना पड़ेगा, उसके साथ में व्यक्ति के परिवार में भी उसको प्रस्तापित करना पड़ेगा। आज गौशाला के माध्यम से गाय पालन करना बहुत कठिन है, यानी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं मगर बहुत जगह पर सफलता इसलिए नहीं आ रही है कि धन इतना कहाँ से आएगा। और इसलिए घर घर यदि गाय पुनः कृषि जीवन में, ग्रामीण जीवन में पहुंच जाएगी,
तो मुझे लगता है गाय की रक्षा भी और मनुष्य जीवन की गुणवत्ता भी, दोनों भी बातें हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जो गाय को चराने के सारे जो स्थान थे, आज उसके ऊपर अनेक लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो कानूनन तरीके से सरकार यह कर सकती है कि ऐसे गाय को चराने के जो स्थान थे सारे, गोचर भूमि है, उसको मुक्त करना चाहिए और वो गाय को उपलब्ध करके देना चाहिए। सहकारिता का भी तत्व लाना है क्या उसमें, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है कि गाय की संभाल जो बूढ़ी हो गई वगैरह ऐसा लोग कहते, उसकी संभाल कैसे की जाए, जो लोग अनप्रोडक्टिव ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, हालांकि ऐसा कभी गाय का जीवन में प्रसंग ही नहीं आता है कि वो अनप्रोडक्टिव है, मगर हमारी सोच एकदम स्वार्थी बन गई है, इससे ऐसा हो रहा है। इसलिए यह दूसरी बात करने की जरूरत है। तीसरी बात है कि कानून का पालन कठोरता से हो। पुलिस स्टेशन की लिप्तता के कारण से ही गऊ की तस्करी और कत्ल हो रही है, और इसलिए यह कानून का पालन कैसा होगा, यह अपने को सोचने की आवश्यकता है। योग्य कानून बनाना, क्योंकि उनमें कुछ खामियां हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मैं कहूं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है जी। तो उसमें एक ऐसी बिंदु जोड़ा हुआ है कि धार्मिक आधार के ऊपर यदि क्रूरता होती है तो वो मान्य होगी, तो स्वीकार्य। एक ही मुझे लगता है कि हलाल पद्धति से जो गाय को मारा जाता है मुसलमान समाज द्वारा, उसको बचाने के लिए प्रावधान जोड़ा हुआ है, तो ये प्रावधान को निकालना चाहिए। यानी आप मंदिर में बलि देने को चैलेंज करके कानून बना रहे हो, और हलाल पद्धति से गाय इतनी दुष्टता से मारी जा रही है, सारे प्राणी, उसको अब छूट दे रहे, तो ये तो कुछ समझ में ना आने वाली बातें हैं। इसे योग्य कानून बनाना, उन कानूनों का पालन करवाना, ये बहुत महत्व का विषय। इसलिए समाज का प्रबोधन, जो लॉ मेकर्स है उनका प्रबोधन, ये सारा विषय होने की आवश्यकता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक बार सांसदों का संपर्क भी यहाँ पर किया है एक अभियान लेकर, और उसमें हमने सबको इसके जो पॉइंट्स है, आर्थिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, हेल्थ के विषय हैं, ऐसे अलग अलग विषय लेकर, दूध का विषय है, ये सारे विषय लेकर समझाने का प्रयत्न किया है, और ये प्रयास शुरू रहेगा जब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर लेंगे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे स्वयंसेवकों को और आप हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में गाय आनी चाहिए, केवल बातचीत करके भी नहीं होगा, और कृषि में गाय को प्रस्थापित करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी गोबर, गोमूत्र और इससे दवाई बन रही है, उसका उपयोग हमने अपने जीवन में करना चाहिए। इससे साबुन बन रहे, उसका जीवन में उपयोग करना चाहिए। गाय के दूध के लिए उपलब्ध होगा तो उसका आग्रह रखना चाहिए। ये सारी बातें यदि व्यक्तिगत जीवन में हम करेंगे तो मुझे लगता है कि गाय के लिए जो सारा ये रक्षा का प्रयास चल रहा है, उसके संवर्धन का प्रयास चल रहा है, उसको एक बहुत बड़ा मदद मिलेगी हमारे जीवन में उसका आचरण आने से। और प्रत्यक्ष जो कत्ल हो रही है उसको रोकने के लिए हर राज्य में योग्य कानून आए, केंद्र में भी योग्य कानून आए, इसके लिए समाज ने दबाव बनाने की जरूरत है, और कानून लाकर उसको पालन करवाने के लिए भी दबाव बनाने की जरूरत है, और समाज के प्रबोधन की आवश्यकता है। ये दोनों तीनों प्रयास साथ साथ चलाने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में अब ये सकारात्मक इसके निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि गाय माता के आशीर्वाद से और सभी गोभक्तों के प्रयास से निश्चित रूप से ये स्थिति अपने देश में आएगी। हमने प्रयास करने में थकना नहीं चाहिए। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। मिलिंद पांडे जी जो महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कई बिंदुओं पर जोर दिया, बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हर परिवार में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। गाय को चारा खिलाना या गाय पर हाथ फेरना एक पहलू हो सकता है, लेकिन गाय की असली सेवा केवल तभी होगी जब हम गाय के उत्पादों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उनको सीखेंगे। और इन सब चीज़ों का नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर लेगी। कार्यक्रम मुद्दा में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।